कोर्स ऑफ लीडरशिप इमोशनल इंटेलिजेंस एंडीजन मेकिंग दिस इज मॉड्यूल नंबर वन थर्टी थ्री एंड वी आर गॉक अबाउट दैट हाउ कैन वी वर्क विद ए कोच कोच के साथ वर्क करने में हमें सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वहां पर हम कोच की मदद से ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें अपनी बेहतरी को किस तरह से इनकॉर्पोरेट करना है और उस बेहतरी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए द कोच इज गोइंग टू गाइड अस ट्रेन अस एंड मेंटोर अस देयर फॉर रिमेंबर जब हम कोच के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं तो देर आर डिफरेंट रोल्स विच द कोच हैज टू परफॉर्म उन रोल्स को अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि किन किन एस्पेक्ट्स में द कोच इज देयर टू टेल अस कि हमें अपनी इंटरेक्शन हमें अपनी डेवलपमेंट वो कैसे करनी है अब इन पॉइंट्स को हम कुछ डिटेल से देखते हैं

कोच इज देयर बेसिकली टू एडवाइज टू इंस्ट्रक्ट एंड डेमोन्स्ट्रेट डिजायर टीम वर्क बिहेवियर एंड स्किल्स तो वह हमें करके भी दिखा सकता है कि हमारा जो इंटरक्शन है दूसरे लोगों के साथ वो कैसे बेहतर वो हो तो वह हमें एडवाइस करेगा और वो डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखाएगा कि वट आर द बिहेवियर एक्चुअली रिक्वायर्ड बाई दर्गेनाइजेशन इन दैट एंड इन दैट पर्टिकुलर सेटअप इसी तरह इंपॉर्टेंट थिंग इज Encourage and provide feedback for improvement. So, coach's responsibility is, his role that he feedback bhi provide kar raha hai. And last but not the least, point is a coach is there to acknowledge and reinforce desired behavior, and when and where it is desired and observed and undertaken, so that we can develop interactions. There is a very famous quote about it that a good coach will make the players see. वट दे कैन बी राधर देन वट दे आर एक अच्छा कोच यकीन वही है जो मुस्तबिल को मद्देनजर रखता है जो हाल से हमारे मुस्तबिल कोशिश करता है अब यह सारा काम करने के लिए देर आर सर्टन कोचिंग विच आर देयर टू बी इनकॉर्पोरेटेड और उन कोचिंग कम्पिटेंसीज में देर आर फोर इंपॉर्टेंट थिंग्स द फर्स्ट वन इज कम्युनिकेशन द सेकेंड इज रिलेशनशिप द थर्ड इज एग्जीक्यूशन एंड द फोर्थ इज परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट अब जब हम बात कम्युनिकेशन की करते हैं तो याद रखें कि कम्युनिकेशन में वी हैव टू कम अप विद अप्युनिकेटिंग ऑब्वियसली पीपल वी हैव हैव टू टू कम अप विद इशूइंग सर्टेन इंस्ट्रक्शंस वी प्रोवाइड द फीडबैक एंड ऑब्वियसली लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग ये तमाम एस्पेक्ट्स हैं जो कम्युनिकेशन के साथ एसोसिएटेड होंगे जब हम कोचिंग कंपेडेंसी की बात करते हैं तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप द कोच हैज टू बिल्ड रेपर्ट एंड ट्रस्ट मोटिवेटिंग अदर्स वर्किंग विद पर्सनल इशूज

और लाइकवाइज जब हम परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट की बात करेंगे तो सेटिंग परफॉर्मेंस गोल्स इज वन ऑफ द रोल्स कोच हैज टू परफॉर्म रिवॉर्डिंग इंप्रूवमेंट डीलिंग विदियर स्ट्रेंथ तो ये तमाम वो चीजें हैं जो कि एक कोच के लिए जरूरी होंगी कि जब वो लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और जब वो आपको डेवलप करना चाहता है तो वो इन एस्पेक्ट्स ऑफ कॉम्पिटेंसीज को मद्देनजर रख सके हमने अभी देखा कि कोचिंग कॉम्पिटेंसीज हमारे लिए किस कदर जरूरी हैं जब हम लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं समटाइम्स वी हैव टू कम्युनिकेट समाइम्स वी हैव टू गिव दम परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट सजेशंस हमें चीज़ों को एग्जीक्यूट करवाना है और हमें रिलेशनशिप्स को स्ट्रेंथन करना है ये सारी प्रैक्टिस एक कोको को, कोच को करने की जरूरत इसलिए है ताकि बेहतर रिजल्ट हासिल वो हो सकें डियर स्टूडेंट्स अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो याद रखें कि इन इमोशनल इंटेलिजेंस वी नीड समवन टू गाइड एस टू ट्रेन एस टू डिवेलप अस एंड टू मेन्टोर आस ताकि हम बेहतर तौर अपनी कारदगी को पेश कर सकें और उस शख्स का जो रोल होगा हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज वह हमारा कोच है और वह हमें बता सकता है कि हमारा बिहेवियर कैसे और कहाँ पर इम्प्रूव होगा थैंक यू